नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है। 21 दिन पहले भी लॉकडाउन में रहने के बाद अब 19 दिन और लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। इसके बाद स्थिति कैसी होगी यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन लॉकडाउन जरूरी भी है। कोरोना को भगाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है, क्योंकि जान है तो जहान है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लॉकडाउन के चलते सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ है वह मध्यम वर्ग है। इससे पहले भी हम आपको मध्यम वर्ग की दास्तां और मजबूरियां दिखा और सुना चुके हैं। मध्यम वर्ग को सरकार नजरअंदाज कर रही है। गरीबों तक हर सहायता मुहैया करवाई जा रही है, अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मध्यम वर्ग लगातार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनके कारोबार बंद है, आमदनी का जरिया भी बंद हो चुका है, लेकिन खर्चे लगातार जारी है। ऐसे में उन लोगों के ऊपर जो एक और मार पड़ रही है वह है स्कूलों द्वारा फीस के लिए उन्हें संदेश भेजना। मध्यम वर्ग के पास जैसे ही यह संदेश पहुंचता है तो वह एक बार आंखें खोलकर बैठ जाता है। उसे चिंता यह सताने लगती है कि फीस भरे तो कहां से भरे, यदि नहीं भरते तो यह भी डर है कि कहीं इन बच्चों का स्कूल से नाम ना कट जाए। आपको बता दें कि मध्यम वर्ग की इस चिंता के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की नीति, जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि लॉकडाउन की अवधि के चलते जब सारे स्कूल, शिक्षण संस्थान तथा कारोबार बंद है, तो ऐसे में फीस भरनी है या नहीं। सरकार द्वारा जो पहले नोटिफिकेशन दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि स्कूलों द्वारा फीस के लिए अभिभावकों को बाध्य ना किया जाए। एक नोटिफिकेशन के माध्यम से स्कूलों द्वारा सरकार का हवाला देते हुए अभिभावकों तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि वह बच्चों की फीस जमा करवाएं। इसमें एक बात और है कि जहां पहले अभिभावक 2 से 3 महीने की फीस एक ही बार में जमा करवानी पड़ती थी, वहीं अब वह प्रति माह के हिसाब से जमा करवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ संदेशों के माध्यम से यह भी पता चला है कि कुछ राज्यों में कुछ स्कूलों द्वारा फीस माफ कर दी गई है। इन वायरल हो रही वीडियो अथवा संदेशों में कितनी सच्चाई है इसका पता जांच पड़ताल के बाद चलेगा। लेकिन हरियाणा में स्कूलों की फीस को लेकर कोई भी स्पष्ट नीति नहीं दिख रही है, जिस कारण से अभिभावक भी असमंजस में है। कुछ स्कूलों द्वारा ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है, इसको लेकर भी अभिभावक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में इस ऑनलाइन पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है, यह भी कुछ अभिभावकों का कहना है। हाँ, यहाँ एक बात जरूर है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर समाचार एक्सप्रेस की टीम ने जिससे भी बात की, उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय कदम बताया है। उनका कहना है कि लॉकडाउन बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि कोरोना वायरस लाइलाज खतरनाक वायरस है, जो यदि फैल जाए तो कईयों की जान जा सकती है। उनका तर्क है कि लॉकडाउन ठीक है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि में जब स्कूल बंद है और स्कूलों का कोई खर्चा नहीं है तो फीस मांगने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सरकार एक स्पष्ट नीति बनाकर फीस के बारे में संज्ञान लेना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जनता ने। हाँ जी सर, मैं हूँ तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन 2 स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले 21 दिन का लॉकडाउन हम लोग देख भी चुके हैं और प्रशासन की मदद से वह सफल भी रहा है। अब लॉकडाउन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद लॉकडाउन 2 कल से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आने आगामी 3 मई तक चलेगा, यानी कि 19 दिन का लॉकडाउन और देखना पड़ेगा अभी जनता को। लेकिन आज जो हम लोग मुद्दा लेकर आए हैं वो हम कुछ और लेकर आए हैं। हम जानने के प्रयास करेंगे लोगों से कि इस जो लॉकडाउन 2 है इसके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और इसके अलावा जो एक मुद्दा हमारे सामने उठ कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ स्कूलों के द्वारा अभिभावकों को मैसेज दिया जा रहा है कि वो फीस डिपॉजिट करें, जबकि इससे पहले सरकार ने हमें ये निर्देश जारी किया, सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि वो कोई भी स्कूल फीस लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन अब जो आगामी निर्देश आए हैं, जो अब निर्देश हैं उसमें उनके मुताबिक स्कूल जो हैं 12 महीने की फीस लेंगे, लेकिन वो 3 महीने की बजाय 1 महीने की फीस एक एक महीना करके फीस ले सकते हैं।
क्या स्कूलों द्वारा ये फीस को लेना उचित है या नहीं, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम ब्रज किशोर आत्रे है। आत्रे साहब, ये जो लॉकडाउन 2 स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लॉकडाउन 2 जो रखा गया है, ये लॉकडाउन पहले को देखते हुए रखा गया है कि जो लॉकडाउन 1 में जो खामियां रह गई थी या जिस तरह से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ, इसीलिए लॉकडाउन 2 को आगे बढ़ाया गया है। तो जो खामियां रही हैं लॉकडाउन 1 में कि उसको दूर किया जा सके, जो कमियां थी उसमें अब लॉकडाउन 2 में वो कमियां ना रहें, तो इसलिए और सख्ताई से जो है उस लॉकडाउन 2 का पालन हम सभी को करना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ और जानने का प्रयास करूँगा आपसे भी, जैसे अब स्कूलों के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि आओ बच्चों की फीस जमा करवा के जाओ, स्कूल बंद हैं, सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, व्यापार बंद है, हर कोई अपने घर में है, जो जहाँ वहीं का वहीं ठहर गया, प्रवासी मजदूर भी जहाँ थे सड़कों से शेल्टर होम तक पहुँचा दिए, क्या इस लॉकडाउन के दौरान स्कूलों द्वारा फीस मांगना क्या जस्टिफाई है? नहीं, फीस मांगना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि और भी जितने भी कारखाने हैं, जितने भी बिजनेस हैं, वो सारे के सारे ठप पड़े हुए हैं। तो जब किसके पास उनकी पे नहीं आ रही है, तनख्वाह नहीं आ रही है, कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो वो कहाँ से पैसा लेके आए? और जहाँ तक जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि कृपया उनसे किसी से भी ऐसा पैसा ना लिया जाए, और जो यहाँ तक कि जिनके घरों में लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह भी ना रोकी जाए, उनको भी अपने पास से पैसे देने के लिए कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट है, कि उनको फीस का तो बनता ही नहीं है। और जो मैसेजेस कुछ आ भी रहे हैं, हमने देखा है कि प्राइवेट वाले जो हैं, वो स्कूल वाले जो फीस की डिमांड कर रहे हैं, तो वो कहीं से दूर तक भी जस्टिफाई नहीं होता कि वो फीस की डिमांड भी कर सकें, बल्कि उनके प्रति मैं तो कहूँगा कि एक दंडवात और कार्रवाई होनी चाहिए, कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके लिए। देखिए, आत्रे साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उनका ये कहना था कि जो लॉकडाउन 2 है वो लॉकडाउन 1 के अंदर जो खामियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए लॉकडाउन 2 स्टार्ट किया गया। जहां तक फीस का सवाल है, इनका ये कहना है कि फीस मांगना गलत है, क्योंकि जब सारा व्यापार बंद है, अर्निंग सोर्स बंद हैं, तो ऐसे में कोई अभिभावक बच्चों की फीस कैसे प्रदान कर सकता है या कैसे अदा कर सकता है, इसके बारे में स्कूल और सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आइए हम चलते हैं आगे, एक और सज्जन से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम गगन है। गगन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो स्कूलों द्वारा फीस मांगने के संदेश भेजे जा रहे हैं अभिभावक? स्कूलों द्वारा जो फीस मांगी जा रही है वो बहुत हद तक अनुचित है, क्योंकि सारे जो भी काम है, काम धंधे सबके ही रुके हुए हैं, खासकर जो भी मध्यम परिवार हैं या जो भी हैं, उनके काम धंधे रुकने के कारण कोई भी उनको जो खाने पीने का या जो मेन ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए तो खर्च करना ही पड़ रहा है, और जो कोई छोटमोट जो भी उनके पास कोई काम करने वाले कर्मचारी थे, चाहे वो दुकानदार है चाहे वो कोई भी है, उसकी तनख्वाह हम रोक नहीं सकते। जो भी हमारे खर्चे मेन चल रहे हैं, और उस समय पे, और स्कूल जबकि बंद है, उस समय पे ये फीस मांगना कहीं ना कहीं अनुचित है, जिसके लिए फीस को तो कहीं ना कहीं ये रोक लगनी चाहिए इस पर। अगर कोई देखिए, इनका भी यही कहना है कि जब मिडिल क्लास के पास अपने घर में राशन भरने तक के नहीं पैसे, उनके पास सारे इनकम सोर्स बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में जो स्कूलों द्वारा फीस मांगने का मैसेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं अनुचित है। सरकार को इसके प्रति कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि सरकार ने अभी तक अपनी कोई भी नीति स्पष्ट नहीं की, बार बार और लगातार कुछ ना कुछ दिनों के बाद नया कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, और उसी नोटिफिकेशन के माध्यम से जो स्कूल वाले हैं वो अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं, पेरेंट्स पर दबाव डाल रहे हैं कि वो आकर बच्चों की फीस अदा करें। इसको लेकर कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में डर भी है कि कहीं बच्चों का नाम ना कट जाए। आइए हम आगे एक और चलते हैं, एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनुपमा आत्रे है। मैम, जैसे ही स्कूलों द्वारा फीस मांगने का मैसेज आ रहा है, और इसके अलावा स्कूल जो है ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रही है, ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है क्या बच्चे इसे सीख पा रहे हैं कुछ? नहीं, देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई क्या होती है, जब तक बच्चों को हेल्प नहीं मिलेगी। आपने देखा आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्यूशन्स पे जाते हैं, वो ट्यूशन्स पे जाके अपनी क्वेरीज को लेते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स ने स्कूल में जो पढ़ा दिया, जब बच्चों को वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी तो वो ऑनलाइन स्टडी भी कैसे करेंगे। और दूसरा ये, जैसे जून में छुट्टियाँ रहती हैं पूरा टाइम, बट यहाँ हमने सुना है कि जून में स्कूल खुलेगा, तो वो छुट्टियों का टाइम जो है बच्चों का निकल जाएगा, तो वो तब कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि टीचर्स पर
या स्टूडेंट्स पर कि वो करें ही करें, वो ऑनलाइन टीचर्स बच्चों को समझा ही नहीं सकते वो चीज़ें जो बच्चों को समझ में आनी चाहिए। तो जो ये जो फीस वाला है, ये क्या सरकार का प्रयास है, जो स्कूलों द्वारा जो मनमानी की जा रही है, क्या ये उचित है क्या अनुचित है? देखिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर सभी के साथ हैं, हमें अपने देश का पूरा साथ देना चाहिए। और ये बात भी सही है कि आज हर इंसान का काम बंद पड़ा है, हर इंसान अपने घर में है, चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल पे हो। लेकिन यह है कि जब सबके काम बंद हैं तो फिर स्कूल वाले भी कैसे इस चीज़ को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल वाले जब बच्चे घर में हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका किसी तरह का कोई टीचर नहीं आ रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा है, तो नहीं, मेरे ख्याल से तो ये इस चीज़ नहीं प्रेशराइज करनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है। मतलब एक तरीके से जब आपका सारा काम बंद है, वो सारी सिचुएशन जानते हैं, तो वो अकेले कैसे फोर्स कर सकते हैं? जो मिडिल क्लास है, उनके यहाँ जो काम वाले आते हैं, सब कुछ आते हैं, मोदी जी का ये भी कहना है कि उनको, वो गरीब है, उनको पैसे दो, उनकी फीस, उनके पैसे नहीं मारो। तो जब एक लेवल पर हम उनका सब कुछ देंगे, जब हम अपने खर्चे उठा रहे हैं, हम इस चीज़ को, हम किसी से पैसा थोड़ा ना मांग रहे हैं इन चीज़ों के लिए, हम अपनी सेविंग में से निकाल रहे हैं, तो फिर फीस तो इसमें सही नहीं है चीज़ देनी। देखिए, इनका भी यही कहना है कि हाँ, दूसरी बात इन्होंने जो बताई कि जो स्कूल द्वारा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाने की जो तैयारियाँ की जा रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में रहकर नहीं पढ़ पाता तो वो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा। आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि स्कूल में 40 मिनट का एक पीरियड लगता है, जबकि ऑनलाइन में वो टीचर कुछ ही मिनटों के अंदर अपना वो सब्जेक्ट पूरा करने का प्रयास करती हैं, या अपना जो उनका जो भी एक सब्जेक्ट है उसको पूरा करने का प्रयास करती हैं। और इस दौरान जो हमने कहीं जगह नोटिस किया, वो ये निकला कि अभिभावक भी इस ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर या फिर घरों में निकल पा रही है। हमारे साथ एक और करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, ये आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्ते, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। मैं जगदीश चावला, एडवोकेट। जहाँ तक मदान साहब आपने बच्चों की फीस का प्रश्न किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब बच्चों के, विद्यार्थियों के अभिभावक घर में बैठे हैं, बच्चे घर में हैं, स्कूल बंद हैं, और स्कूलों के ऊपर किसी किस्म का कोई खर्चा भी नहीं है, तो उन बच्चों से, उन विद्यार्थियों से फीस मांगना बिल्कुल अनुचित है। और जहाँ तक बच्चों के अभिभावक हैं, जो लगभग मध्य वर्ग से ही संबंधित हैं, वो अपना बोझ बड़ी मुश्किल उठा रहे हैं इन दिनों, क्योंकि मध्यम वर्ग से हर एक वर्ग, जो उससे निम्न वर्ग है, वो भी उम्मीद करता है। और जहाँ तक हमारे करनाल का संबंध है, करनाल में मध्यम वर्ग है, वो धार्मिक और सामाजिक संस्थाएँ इतनी सेवा कर रही हैं हद से ज़्यादा, तो मैं हरियाणा सरकार से एक विनम्र निवेदन करूँगा कि उन प्राइवेट स्कूलों को और बाकी स्कूलों को एक स्पष्ट दिशा निर्देश दें कि वो अभिभावकों से इन बंद के दिनों की फीस बिल्कुल चार्ज ना करें। दूसरी बात, आपने लॉकडाउन की कही, जहाँ तक ये लॉकडाउन 2 है, ये अति अनिवार्य था। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें एक दूरदर्शी और बड़े सुयोग्य प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने वक्त से पहले लॉकडाउन 1 किया और उसके बाद लॉकडाउन 2 किया है। आज उन्हीं की बदौलत, हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की और उचित निर्णय, उचित समय पे उन्होंने उचित निर्णय लिया कि आज कोरोना की लड़ाई में हमारा भारत देश विश्व में कहीं बेहतर स्थिति पे खड़ा है, और कोरोना पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। सर जी, जो ऑनलाइन स्टडी है, ये क्या कामयाब हो पाएगी छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए? मेरे विचार में तो ये प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस जो वो मांग रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए एक नाटक रचा है ऑनलाइन का, इसका कोई भी उपयोग बिल्कुल नहीं है। देखिए, इन्होंने भी हमें यही बात बताई कि ऑनलाइन जो मांग रहे हैं या ऑनलाइन जो पढ़ाई करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये ऑनलाइन पढ़ाना और फीस मांगना दोनों ही अनुचित कार्य हैं। इन्होंने सरकार से विनम्र निवेदन भी किया है कि वो एक स्पष्ट नीति को या स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें उन स्कूलों के लिए या फीस के लिए कि या माफ़ी करनी है या देनी है या रोकनी है या कैसे देना है। देश के विभिन्न हिस्सों में हमने फेसबुक, व्हाट्सएप पर हमने ये चीज़ें भी देखी, कहीं ना कहीं कुछ स्कूलों के लेटर हमने व्हाट्सएप पर भी देखे, फेसबुक पर देखे, जिस पर स्पष्ट लिखा हुआ था कि हमने 3 महीने की फीस माफ़ कर दी है। इनमें कितनी सच्चाई है ये तो पड़ताल करने पर ही पता चलेगा, लेकिन करनाल की जनता, जो जिसमें लगभग मध्यम वर्ग के अधिक लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इन 3 महीनों के, जब पूरा देश लॉकडाउन है, व्यापार बंद हैं, उद्योग बंद हैं, कहीं पर इनकम सोर्स नहीं है, तो ऐसे में किस बात की फीस वो अदा करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।